नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। देश में मानसून के आगमन के साथ ही महंगाई ने भी दस्तक दे दी है। हालांकि मानसून की रफ्तार धीरे धीरे कमजोर हो रही है, लेकिन महंगाई की गति कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। लगभग सभी राज्यों में हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं। भिंडी, शिमला मिर्च, लौकी, परवल और करेले की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अचानक टमाटर की कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है। 20 से 40 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं कई राज्यों में इसकी कीमत 100 से 150 रुपए किलो के बीच है। लेकिन टमाटर से भी ज्यादा महंगा अदरक हो गया है। इसकी कीमत लगभग सभी राज्यों में टमाटर से ज्यादा है। बिहार की राजधानी पटना में सभी हरी सब्जियों की कीमत में आग लगी हुई है। यहाँ पर टमाटर 120 से 140 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं राज्य के दूसरे शहरों और कस्बों में इसकी कीमत 100 रुपए किलो भी है। लेकिन बिहार में टमाटर से भी ज्यादा महंगा अदरक हो गया है। पटना में एक किलो अदरक की कीमत 240 से 250 रुपए है। यानी कि पटना में टमाटर के मुकाबले अदरक की कीमत दोगुना है।